हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो। मेरी आज की जो वीडियो है वो है ट्रेड नॉलेज, मतलब जो भी आप ट्रेड से रिलेटेड है सबसे पहले तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे लाइक फैशन डिज़ाइन, ठीक है, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है तो इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि आपके जो है फैशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये ट्रेड कौन सा है, किस तरीके से क्या क्या आप इसमें आगे फ्यूचर में काम कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होना चाहिए। तो आज मैं वही टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं विषय का ज्ञान, ट्रेड नॉलेज। तो देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग अपना परिचय। फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए अधिकतर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके विषय में इस संक्षिप्त जानकारी ट्रेनीज को होना आवश्यक है। देखिए इसके बारे में डिटेल में ना नॉलेज ट्रेनीज को होना आवश्यक है। देखिए फैशन डिजाइनिंग से, ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी से आप लोग CITS कर ले रहे, ITI कर ले रहे, ठीक है, CTS कर ले रहे, लेकिन इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के समय में बहुत प्रचलित फैशन जिसमें ड्रेस उसके साथ मैचिंग हैंडबैग्स, ज्वेलरी, शूज तथा हेयर स्टाइल सभी फैशन टेक्नोलॉजी में शामिल होते हैं। देखिए आज के समय में जो बहुत प्रचलित जो फेमस हमारा फैशन है ना, उसमें ड्रेसेस उसके साथ में मैचिंग हैंडबैग, ज्वेलरी, शूज तथा हेयर स्टाइल सभी के सभी फैशन टेक्नोलॉजी में ही शामिल होते हैं। देखिए जब हम कोई अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारे इसके साथ में कौन से हैंडबैग यूज़ करें, ज्वेलरी कौन सी यूज़ करें, शूज़ कौन से पहने, हेयर स्टाइल कैसा रखें, तो सभी के सभी चीज़ें हमारी फैशन टेक्नोलॉजी में ही शामिल होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, एसेसरीज़ वगैरह सभी फैशन टेक्नोलॉजी में हमारी शामिल है। इस ट्रेड को सीखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसको सीखे हुए छात्रों का 100% प्लेसमेंट हो सकता है। देखिए ध्यान रखिएगा इस ट्रेड को सीखने का, देखिए आप फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो इस ट्रेड को सीखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसको सीखे हुए छात्रों का 100% प्लेसमेंट हो सकता है। देखिए 100% प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ दिया हुआ हो सकता है, लेकिन कब, जब आप ट्राई करेंगे आगे तब। अब आप CITS कर ले, ITI कर ले, CTS कर ले और आप हाथ जोड़ के बैठे हुए, तो ऐसे थोड़ी नहीं कि हाँ लिखा हुआ 100% प्लेसमेंट हो सकता है। देखिए होगा कब, जब आप आगे ट्राई करेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, आपका जो है नॉलेज अच्छा रहेगा तभी आप आगे भी बढ़ पाएंगे। देखिए चाहे फैशन टेक्नोलॉजी हुआ, कोई भी ट्रेड हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ आपका, ठीक है, कब काम आता है, जब आपकी मेहनत काम आती है, ठीक है, आप उस हिसाब से तैयारी करते हैं अपनी। तो देखिए इस जो है ट्रेड से रिलेटेड छात्रों का 100% प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसमें बहुत से विभाग बने हुए हैं। देखिए जो फैशन इंडस्ट्री हमारी है वो बहुत ही बड़ी है और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे विभाग बने हुए हैं। आप अपनी चॉइस से, ठीक है, और अपनी काबिलियत के अनुसार और अपनी मेहनत से कोई भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी च्वाइस हो, जैसे आपके अंदर काबिलियत हो, जिस भी तरीके का आप नॉलेज रखते हो। तो देखिए फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा और अगर और भी डिटेल आप लोगों को पढ़ना होगा तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करके आप लोग पूरी थ्योरी, MCQ, मैथ, रीजनिंग हर एक चीज़ पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। CITS एंट्रेंस एग्जाम की भी क्लासेस चल रही है और CITS की ट्रेड थ्योरी, POT, सॉफ्ट स्किल, इन सभी की भी क्लासेस चल रही है। आप लोग CITS की क्लासेस भी ज्वाइन करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आधुनिक समय में प्राय हर एक न्यूज़पेपर में रंग बिरंगी पोशाकों के साथ फैशन, फैब्रिक तथा गारमेंट आदि के विषय में पढ़ने को मिलता है। देखिए आप लोग ना आज के समय में कोई भी न्यूज़पेपर उठाते होंगे, मैगजीन वगैरह कुछ भी उठाते होंगे तो आपको कलरफुल बहुत सारे कपड़े दिखाई देते होंगे, पोशाकें दिखाई देते होंगे, फैशन फैब्रिक बहुत सारे, गारमेंट्स आदि के विषय में आपको बहुत सारे टॉपिक के विषय में क्या होता होगा, पढ़ने को मिलता होगा। सोचते होंगे ना ये क्या चीज़ है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए फैशन तो है लेकिन कैसे कलर यूज़ हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत होती है। चित्रों सहित पूरा वर्णन पढ़कर हर एक किसी के मन में का मन करता है कि फैशन टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाए। देखिए जब हम फिगर वगैरह देखते हैं ना तो हर किसी का मन करता है कि फैशन टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाए, कि आप फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी रखी जाए।
क्योंकि अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है कि हेयर स्टाइल हुआ, एसेसरीज जो हमारी शूज वगैरह है, ठीक है, पर्स है, हर एक चीज़ के बाहर, ठीक है, हर एक चीज़ हमारी फैशन टेक्नोलॉजी में आती है। तो इसमें हम जब फिगर वगैरह को देखते हैं ना, तो मन करता है कि इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो आधुनिक युग है इसके साथ में, देखिए जो फैशन का युग है, हमारा आधुनिक युग कौन सा है, हमारा फैशन का युग है, और इस युग में हर कोई अच्छा खाना पीना पहनना ओढ़ना चाहता है और उसकी नॉलेज भी रखना चाहता है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि हम फैशन के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहने, जो कलर चल रहे हैं, जो स्टाइल चल रहा है, डिज़ाइन चल रहा, हम उसी के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो उसके बारे में उसका मन करता है कि हम थोड़ा नॉलेज रखें। इसे सीखने वाले जवान बच्चे भी उतने ही उत्सुक होते हैं जितने कि अधेड़ या सिटीजन। देखिए इसे सीखने वाले जवान बच्चे भी, देखिए इसे सीखने वाले जो जवान बच्चे हैं उतने ही उत्सुक होते हैं जितने कि अधेड़ या सीनियर सिटीजन, जितने कि अधेड़ व्यक्ति या सीनियर सिटीजन इसको सीखने के लिए उतने ही जवान बच्चे भी उत्साहित होते हैं कि देखें ये क्या चीज़ें हैं। सबकी इच्छा इसको जानने की होती ही रहती है। देखिए सबकी जो इच्छा होती है ना, इसको जानने की होती रहती है कि क्या चीज़ है। देखिए बच्चे भी जानना चाहते हैं कि फैशन क्या है, किस तरीके का है, सीनियर सिटीजन अधेड़ जो व्यक्ति हैं वो भी, सभी लोग क्या होते हैं, इस सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं। देखिए फैशन ऐसा चीज़ है जिससे हम भाग नहीं सकते हैं, तो हर किसी का मन करता है कि जाने इसके बारे में, नॉलेज रखे। और देखिए जो इस ट्रेड से रिलेटेड है उनको तो अपने ट्रेड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, आगे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए, देखिए ये क्योंकि ये सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, सबके लिए जरूरी है, सबके जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। बार बार कह रही, सबके लिए जरूरी है, सबके जीवन का क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है। इस कोर्स, देखिए ध्यान रखिएगा, इस कोर्स इमेज ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, देखिए इस कोर्स की, किस कोर्स की, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। इमेज ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, जो इमेज ऑफ टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है, फैशन मर्चेंडाइजिंग है, डिज़ाइन अपैरल में देखना ढूंढना, एम्ब्रॉयडरी करना, मार्केटिंग करना, कोस्टिंग करना आदि जैसे कार्यों का उल्लेख होता है। देखिए इसमें इन सभी कार्यों के बारे में नॉलेज होती है। अब देखते हैं आगे इसके बारे में। यह सब सीखकर ही छात्र अपने अपने रुचि के क्षेत्र में अपने पांव जमाते हैं। देखिए ये सभी सीखकर ही छात्र क्या करते हैं, अपने अपने रुचि मतलब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने अपने फील्ड में अपने पांव जमाते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। देखिए अगर जो है चॉइस जो है डिज़ाइन अपैरल में है, एम्ब्रॉयडरी में है, मार्केटिंग में है, मर्चेंडाइजिंग में है, आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं और इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, अच्छा काम करके अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, हम इस, देखिए कोई भी आप जो है मान लीजिए ITI कर रहे हैं, CTS कर रहे हैं, CITS कर रहे हैं, तो सिर्फ आप अगर अपना समय बर्बाद करें तो हर कोई क्या चाहता है, हर कोई यही चाहता है मेरी अच्छी इनकम हो, मेरा आगे लक्ष्य पूरा हो, मेरा एक, हर किसी का क्या होता है, एक टारगेट होता है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इतना फेमस होना है, ये काम करना है। और सारा काम किस लिए करता है, देखिए बिना पैसों के दुनिया नहीं चलती है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए हमको पैसे जरूरी, उसके लिए आप इन सभी फील्डों में जाके इतनी पढ़ाई की आपने, इतना नॉलेज लिया है, तो क्या कर सकते हैं, उन सभी फील्डों में आप जाके अच्छे से अपना पाँव जमा के अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छी इनकम क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं आराम से, आपकी चॉइस है, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कम जानकारों के द्वारा फैशन टेक्नोलॉजी के ठीक से समझ न पाने के कारण से ही इसका स्कोप केवल रैम की ड्रेस तक ही मानते हैं। देखिए जो कुछ कम जानकार लोग हैं जिनको फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में सही से जानकारी नहीं है, वो सही तरीके से समझते नहीं है, वो क्या समझते हैं, वो सिर्फ इसका स्कोप क्या समझते हैं कि सिर्फ रैम के ड्रेसेस तक ही मानते हैं कि रैम पे हम ड्रेसों को उतारें, बस उतना ही है इसका फील्ड, और उनके इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रहती है, और उसमें विशिष्टता न हो पाने से असफल भी मान लेते हैं और सोचते हैं कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब हम असफल हो गए। किंतु ऊपर बताए गए विभागों से ज्ञात होता है कि ड्रेस के अलावा मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा फील्ड इस बिजनेस से संबंधित है। देखिए ऊपर हमने बहुत सारे आप लोगों को फील्ड बताए हैं, जैसे इमेज ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, फैशन मर्चेंडाइजिंग, डिज़ाइन अपैरल, और क्या है, एम्ब्रॉयडरी करना, मार्केटिंग करना, कोस्टिंग करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप उनमें काम कर सकते हैं।
ठीक है, आप उनमें काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, मार्केटिंग भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, सारा का सारा ठीक है काम आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, ज्ञान हो, आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, ड्रेस के अलावा मार्केटिंग का बहुत बड़ा फील्ड भी इस बिजनेस से संबंधित है। देखिए, आप ड्रेसों से अलग थोड़ी सी दुनिया सोचे ना, तो मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा फील्ड है। देखिए, आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। मार्केटिंग का भी अच्छा फील्ड है, आप मार्केटिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं। उनमें भी छात्रों द्वारा अपना काम जमाने का तथा बिजनेस बढ़ाने का भी तरीके बताए जाते हैं। देखिए, उसमें भी क्या होता है, छात्रों द्वारा क्या कहता है, अपना काम किस तरीके से आपको जमाना है, किस तरीके से आपको बिजनेस करना है, इन सारे के सारे तरीकों को बताया जाता है। ऐसे नहीं है सिर्फ आपसे कपड़े कटिंग करवाए जाएंगे, कपड़े सिलवाए जाएंगे, स्केचिंग करवाई जाएगी। देखिए, उसके अलावा इसका फील्ड इतना बड़ा है ना, आपको हर तरीके की नॉलेज दी जाती है, हर तरीके की, ताकि आप किसी भी फील्ड में जाके आप काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर बच्चे की, हर किसी की एक जैसी चॉइस नहीं होती, लेकिन जो फैशन टेक्नोलॉजी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इसमें बहुत सारे फील्डों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। मार्केटिंग किस तरीके से करना है, एम्ब्रॉयडरी किस तरीके से करना, मर्चेंडाइजिंग का काम किस तरीके से करेंगे, स्केचिंग किस तरीके से करेंगे, ड्रेसेस डिज़ाइन किस तरीके के करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज दिया जाता है, जिससे कि आप आगे बढ़ के, ठीक है, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके अच्छे से अच्छी इनकम अर्न कर सकें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस प्रकार अपनी ट्रेड की जानकारी, देखिए इस प्रकार से आप अपने ट्रेड की नॉलेज, उसका स्कोप आगे क्या है, ट्रेड का महत्व क्या है, जब ये सभी चीज़ें जान जाएंगे ना, जानने के बाद छात्र क्या करते हैं, अपनी ट्रेड में और भी अधिक रुचि रखकर अध्ययन कर सकते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, उनको पता होगा कि मेरे ट्रेड का महत्व क्या है, क्या स्कोप है, किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। जब वो सभी के सभी चीज़ें अच्छी तरीके से जान जाएंगे, तो वो और इंटरेस्टेड होंगे, और इंटरेस्टेड जो है, जब उनका इंटरेस्ट आने लगेगा ना, तो वो काम को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी ट्रेड हो आपका, ये तो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की बात की है यहाँ पे मैंने, आपको कोई भी ट्रेड हो, आप अच्छी तरीके से आप उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी कर लीजिए कि इसके कौन कौन से स्कोप है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमको आगे बढ़ के पैसे कमाना है, क्या काम किस तरीके से करना है, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से अच्छा नॉलेज रखिए। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब नहीं है, हम पढ़ाई करते हैं, हम किस लिए करते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए करते हैं। जिस तरीके से देखिए, जब हमको नॉलेज रहेगा ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, ये तो रहा ट्रेड का परिचय। अगर जो है MCQ, रीजनिंग, मैथ और भी कोई चीज़ आप लोगों को पढ़ना होगा, तो ऑनलाइन क्लासें जो है चल रही हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें तो 1 जनवरी से ही चल रही हैं, अभी भी जिसको ज्वाइन करना है वो क्लासों को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, आप लोग इस नंबर पे 9721721575 इस पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, वो अभी से जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके देखिए मई के लगभग में आपके जो है फॉर्म आ जाएंगे, फिर जुलाई में आपके एग्जाम होंगे। तो देखिए, उसके लिए आपको अभी से हर एक जानकारी रहेगी, तभी अच्छा रहेगा, आपको मनचाहा कॉलेज मिलेगा। नहीं तो लास्ट टाइमिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, हर किसी को भटकते हैं, ये कॉलेज नहीं मिला, फिर कहीं दूर कॉलेज मिल गया, ये सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और देखिए, लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं दूर कॉलेज मिल गया तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर क्लासें करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको CITS की क्लासें करनी है, POT, सॉफ्ट स्किल और ट्रेड थ्योरी, वो क्लासें भी चल रही हैं, वो भी ज्वाइन करके अच्छे से अच्छे नंबर पाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार है, फिर से कह देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और जिसने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिएगा। चलिए, जल्दी ही मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।